वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूँ सुनील कुमावत। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम ये पूछते हैं कि भाई इसकी प्राइस क्या है, और प्राइस के बेसिस पर भी हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि इतना यूनिट खरीद ले या इतनी खरीद ले, ज़्यादा खरीदे कम खरीदे, ऐसा सोचते ज़रूर होंगे। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम ऐसा सोचते हैं, तो फिर इस टॉपिक में हम इसी बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। गाइस बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देखिए कंज्यूमर तो आप जानते हैं, कंज्यूमर इट मींस दोज हु कंज्यूम। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इट मींस व्हाट? इक्विलिब्रियम इट मींस वो सिचुएशन जब कंज्यूमर ये सोचता है कि बस ठीक है भाई, बैलेंस्ड फील करता है। जब कंज्यूमर सोचता है कि अब और कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब उसको लगता है कि हाँ मुझे जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल रहा है, इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज द स्टेट ऑफ नो चेंज। वेन कंज्यूमर डू नॉट वॉन्ट टू चेंज हीज एक्सपेंडिचर, जब वो अपने खर्चे और चेंज नहीं करना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन या चाहता है कि बस हाँ इतनी ही क्वान्टिटी या इतनी ही यूनिट में खरीदूँ, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इट मीन्स द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक, अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में बातचीत की थी कि जो सेटिस्फेक्शन जो है या वांट सेटिस्फाइंग पावर जो है किसी भी चीज़ की, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। और इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसमें? यूटिल्स में। जैसे हम किसी चीज़ का वजन कैलकुलेट करते हैं किलोग्राम में, है ना, किलोग्राम में, ग्राम में, है ना। इसी टाइप से हम यदि किसी चीज़ को नापना हो तो हम उसको लीटर में भी कैलकुलेट करते हैं, है ना। हाइट है तो उसको मीटर में मे बी, या डिस्टेंस है तो मीटर या किलोमीटर में कैलकुलेट करते हैं। इसी टाइप से हम जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम काउंट करेंगे किसमें? उसको हम काउंट करेंगे यूटिल्स में। ठीक, तो हमने एक चीज़ हमने पढ़ी यूटिलिटी के बारे में, एक चीज़ हमने पढ़ी कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मान लीजिए आप गुलाब जामुन जो है आप खरीद रहे हैं, है ना, या कहीं फ्री में भी खा रहे हैं, मान लीजिए फिलहाल हम खरीद रहे हैं, तो हम पहला गुलाब जामुन खाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, दूसरे की इच्छा हमारी कम होती जाएगी। तो पहले की मान लीजिए 10 थी, दूसरे की 8 हो गई, आपकी इच्छा कम होती गई, फिर 6 हो गई आपकी इच्छा, फिर आपकी इच्छा 4 हो गई, फिर 0 हो गई, और फिर जो है आपकी -2 हो गई। मतलब एक लेवल के बाद में आप चाहेंगे बस 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 इसके बाद ज़्यादा हमें और नहीं खाना है। ठीक, तो इसमें आपने देखा कि जो है जैसे जैसे कंज्यूमर चीज़ें खरीदता जा रहा है, वो एक लेवल के बाद में उसकी खरीदने की इच्छा कम हो जाती है। तो इस ये जो इसको हम MU बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कर, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हम इसको ड्रॉ कर लें यहाँ पर, तो 1/10 है ना, फिर जो है 2/8 है, 2/8 है, फिर 6 जो है वो 3/ जो है वो 6 है, इस तरीके से ये 5/ जाकर के 0 हो रहा है, तो 5/ जाकर के 0 हो रहा है, और 6/ जाके -2 हो रहा है, तो -2 में यानी कि -2 यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, तो ये एक इस टाइप का एक कर्व बनेगा, है ना, ये तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। इसको हम बोलते हैं कौन सा कर्व बोलते हैं हमको मालूम है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। और ये डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? क्योंकि हम क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, एज वी इंक्रीज द कंजप्शन मार्जिनलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, मार्जिनलिटी जो है वो कम होती जाती है। अब देखिए इसमें एक बात समझ में आ रही होगी आपको, एक बात क्या समझ में आ रही होगी आपको, एक बात ये समझ में आ रही होगी कि देखो ये जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी यूनिट खरीदेगा, कम से कम 1 यूनिट, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी खरीदेगा क्या मुझे बताइए कि 5 पे तो जाकर के उसकी यूटिलिटी जो है वो 0 हो गई है, तो क्या वो 5 यूनिट खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, है ना। तो कम से कम 1 खरीदेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 5 खरीदेगा। तो एक तो चीज़ क्लियर कट हो गई, एक चीज़ क्या क्लियर कट हो गई कि मैक्सिमम यहाँ होगा और मिनिमम यहाँ पर होगा। जब उसकी यूटिलिटी 0 के बाद में माइनस में हो गई है, तब भी खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। तो ये बात तो तय हो गई। देखिए हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर कैसे सोचेगा, तो यहाँ ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया और लोएस्ट पॉइंट हो गया। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि कंज्यूमर मैक्सिमम इतनी यूनिट खरीदेगा, यूनिट मैक्सिमम ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम ये खरीद सकता है, लेकिन क्या वो ये खरीदेगा क्या? नहीं, वो ये भी नहीं खरीदेगा, वो इनमें से किसी एक जगह खरीदेगा।
मतलब वो ए ये 2, 3 या 4 इनमें से कुछ खरीदेगा। अब इनमें से भी हम ये देखें कि इन या तो 2 खरीदेगा, 3 खरीदेगा, 4 खरीदेगा, तो वो मतलब जो हम ये स्टेट फाइंड आउट करना हमें कि कंज्यूमर ज़्यादातर कहाँ पर जो है आकर के लगेगा उसको, हाँ बस इतनी यूनिट खरीदना चाहिए। तो उसके लिए हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए कि उस जो वो पर्टिकुलर चीज़ है वो 6 रुपीज़ की है, और हर रुपीज़ से एक यूटिल्स, 1 रुपीज़ से 1 यूटिल्स हमें मिलता है। तो जो PX जो है उसको मैंने 6 दिया, 6, 6, 6, 6 और 6। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली जो थ्योरी है वो थ्योरी ऐसा बोलती है कि जहां पर आपकी प्राइस और मार्जिन प्रॉफिट जहां बराबर हो उस लेवल पर जाकर के कंज्यूमर क्या फील करता है, उस लेवल पर जाकर के कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम फील करता है। देखिए आपके सामने ये एग्जाम्पल भी देखिए, और यदि साइकोलॉजिकली आप थोड़ा जी सोचे तो देखें कि हम ये सब मान रहे हैं कि कंज्यूमर जो है 1 से तो ज़्यादा ही खरीदता है और 5 से तो कम खरीदेगा, ये बात तो तय है। तो कहाँ पर आकर रुक जाना चाहिए, यहाँ पर आकर रुक जाना चाहिए। तो यह ऐसा बोल रहे हैं कि कंज्यूमर जो है यहाँ पर आकर के कंज्यूमर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर यहाँ पर आकर के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम देखें तो यहाँ ये वाली कंडीशन में क्या है, MUX इज ग्रेटर देन PX, मतलब कि जो उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, जो उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो जो पे कर रहा है पैसे उसकी यूटिलिटी से ज़्यादा है। इधर की यदि बात करें तो इधर क्या है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स है ना, MUX इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन PX, मतलब कि जो जितना पेमेंट वो कर रहा है उससे जितनी यूटिलिटी उसको फील होती है। यूटिलिटी मतलब एक एक टाइप से एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, उसको हम नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो उसको जितना पेमेंट वो कर रहा है उससे उसको यूटिलिटी जो है, MUX लिखा है मैंने ये, तो MUX जो है उससे अब उसको कम मिल रहा है। तो जितना पेमेंट कर रहा है उससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वैसी बात है इधर भी वो चीज़ नहीं खरीदेगा। फिर वो कहाँ खरीदेगा, वो खरीदेगा वहां पर जहां पर MUX जो है उसको PX के बराबर मिले। तो उस वाले लेवल को हम क्या बोलेंगे, उस वाले लेवल को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि कंज्यूमर अब कहां पर पहुंच जाएगा, कंज्यूमर नो चेंज वाली कंडीशन में पहुंच जाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि नो चेंज, कंज्यूमर को चेंजेस नहीं करना चाहता है। इस वाले कंडीशन में क्या करेगा कंज्यूमर, कंज्यूमर जो है इस वाली कंडीशन में करेगा क्या, इंक्रीज द कंजप्शन, वो कंजप्शन को है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में वो क्या करेगा, अपने कंजप्शन को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा कंजप्शन को। और ये वाली कंडीशन में क्या करेगा, अपना कंजप्शन चेंज नहीं करना चाहेगा। मतलब ये हुआ कि इस यदि इसको हम एक एग्जाम्पल लें तो इस एग्जाम्पल के थ्रू ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि इस पर्टिकुलर जो चीज़ है, जो गुलाब जामुन है, उसकी 3 यूनिट वो खरीदना चाहेगा, है ना, वो 3 गुलाब जामुन खरीदना चाहेगा, ऐसा हम साइकोलॉजिकली सोच रहे हैं। ठीक है, ये खाली एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आप कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझने की आपको कोशिश करना है कि कंज्यूमर कितनी चीज यूनिट्स जो है वो खरीदेगा। कंज्यूमर उतनी यूनिट खरीदेगा जितना उसको पेमेंट जो कर रहा है उस उतना उसके लिए जो वैल्यू रखती है, यूटिल्स जो रखती है, और जितनी वो चीज़ खरीद रहा है उसकी यूटिलिटी जहाँ बराबर हो जाती है वहाँ पर वो चीज़ें खरीद लेता है। तो जहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और यूटिलिटी ऑफ द प्राइस इक्वल हो उस लेवल को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अब आप 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इट इज द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर डू नॉट वॉन्ट टू चेंज हिज कंजप्शन पैटर्न, वो कंजप्शन जो है कम या ज़्यादा नहीं करना चाहता है। वेयर कंज्यूमर डू नॉट वॉन्ट टू चेंज हिज एक्सपेंसेस, वो अपने एक्सपेंसेस को कम ज़्यादा नहीं करना चाहता। या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इट इज द सिचुएशन वेयर MUX इज इक्वल टू PX। ठीक, वहाँ जहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ इट्स प्राइस बराबर हो तो उस लेवल को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक, तो आपने इस बात को इस तरीके से समझा दिया। तो ये तो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए शेड्यूल हो गया। ठीक, अब इसी बात को यदि आप यहाँ ग्राफ पर रिप्लॉट करेंगे तो ग्राफ पर कहाँ पर आ रहा है, 3 यूनिट कहाँ पर आ रही है, 3 यूनिट आ रही है आपकी, 3 यूनिट आ रही है आपकी 6 पर। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को आप ग्राफ के थ्रू आपने रिप्रेजेंट कर दिया, शेड्यूल के थ्रू आपने रिप्रेजेंट कर दिया,
इसके अलावा आपको उसमें आपको मतलब थ्योरेटिकली लिखने के लिए भी आपको यहाँ से सपोर्ट हो गया कि एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, वेन एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स दिस इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और इट इज द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर फाइंड मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक, तो आई होप कि ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने की जो जो अप्रोच है वो आपको क्लियर हुई होगी। यूजुअली जो है मेनली दो अप्रोच है, कार्डिनल ऑर्डिनल वाली अप्रोच। तो आई होप कि आपको जो ये वाली जो अप्रोच है ना, मार्जिन न्यूट्रल वाली जो अप्रोच है, ये वाली अप्रोच आपको क्लियर हुई होगी। ठीक, तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हाँ, आपको यदि मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि नहीं आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करें कि सर नहीं आ रहे हैं। ठीक, कुछ चेंजेस करेंगे। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, बाय।